हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होमवेयर रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसकी हद से आप अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे यूट्यूब चैनल के कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइस शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लेमन जूस का यूज़ करूँगी। आप लेमन को काट लीजिए और इसे निचोड़ लीजिए तो ये जूस इजीली निकल जाएगा। मैं यहाँ पे पैराशूट कोकोनट ऑयल का यूज़ करूँगी, जो इजीली नियर बाय जनरल स्टोर पर अवेलेबल होता है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पहले आप यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस ले लीजिए और उसी में इक्वल क्वान्टिटी में कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए, मतलब 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए। आप इसे अच्छी तरह से ऐड कर लीजिए। अब मैं बताऊंगी कि आप इसे कैसे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले आप इसे लीजिए, उसे अपने हाथों की हेल्प से इस तरह से अपने हाथों पर इस तरह से मसाज कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आप इसे धो लीजिए कोई भी साफ़ पानी से। कोई भी शैम्पू, फेस वॉश या सोप यूज़ ना करें, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। गाइस जैसे यूज़ करने से पहले आप अपनी स्किन को भी अच्छी तरह से हर्बल शैम्पू, हर्बल फेस वॉश से धो लीजिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की रेमेडी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपने स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं। आप इसका वीकली 3 to 4 times यूज़ कीजिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो गाइस अगर आपको मेरी आज की रेमेडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर भी ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो के न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें। अगेन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।